अस्सलाम वालेकुम। पेज 145 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एमएम कौन था? एमएम कौन था? तो ऐसे ही कोई वो भी होगा मार्कोविट्ज़ भी। इस चैप्टर की चीजें बाद में, पहले सिर्फ एक स्टैट्स का काम रिवाइज कर लें। ये मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि अपनी बुक में बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 4, ये स्टार्ट कर दिया। और ये लेक्चर 35 छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा लंबी क्लास कर ली थी। अच्छा, इस चैप्टर पे बाद में, पहले स्टैट से कुछ फार्मूले देखें जरा। एक बिजनेस का एक प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई है। अगले साल का बजट बन रहा है। एक मिसाल से मैं स्टैट्स के ना कुछ फार्मूले बता रहा हूं। बजट ये बन रहा है कि अगले साल में अगर हालात ऐसे हुए और हम प्रोडक्ट एक्स के 25 यूनिट्स बेच पाए तो प्रोडक्ट वाई के भी 35 को यूनिट तो बेच लेंगे, लेकिन ऐसा होगा इस बात के चांसेस 0.3 हैं। और अगर हालात वैसे हुए जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो हम इसके बेच पाएंगे 70, तो इसके कोई 82 बेच लेंगे। लेकिन अगर हालात वैसे हुए जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है तो इसके हम बेच लेंगे 100 और इसके बेच लेंगे 115। ये एक डेटा है। इस डेटा में ये वैल्यूज हैं और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। अगले साल की प्लानिंग हो रही है कि अगले साल एक्स के शायद इतने बेच लें, शायद इतने बेच लें, शायद इतने बेच लें, और अगर एक्स के इतने बेच रहे होंगे तो वाई के भी शायद इतने इतने बिक रहे होंगे, और इन शायद की प्रोबेबिलिटीज ये हैं। अगले साल इतने यूनिट्स भी बिक सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, इतने भी बिक सकते हैं। एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालें? जब भी डेटा में 7 प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाए तो एवरेज निकालने का तरीका होता है समेशन पी एक्स। इसको मीन भी कह सकते हैं। जैसे एक्स बार निकालना हो अगर, यानी मीन, तो समेशन पी एक्स। और अगर वाई का एवरेज निकालना हो, मतलब मीन, तो समेशन पी वाई। समेशन पी एक्स क्या बना? ये 60 भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बात। ये यूनिट्स इन मिलियन है। चलो ये हो गया मीन एवरेज कि अगले साल ऑन एन एवरेज एक्स इतने बिकेंगे, वाई इतने बिकेंगे, 59.5 और 71.5, ये है एवरेज। अच्छा जी, एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और एक चीज होती है वेरिएंस। इसकी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता क्योंकि स्टैट्स तो नहीं पढ़ा रहा, उसका चीता तो नहीं बना रहा आपको। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी और वेरिएंस भी एक डेटा में वैल्यूज की वॉलेटिलिटी बताएगी। जैसे अगर एक खिलाड़ी है जिसका कभी किसी मैच में एवरेज, उस मैच की एवरेज, यानी अगर मैचेस के हिसाब से देखें तो कभी वो स्कोर कर रहा होता है 100,
कभी वो 10 पे आउट हो जाता है, कभी वो 180 कर लेगा, कभी 15 पे आउट हो जाएगा, कभी 25 पे आउट हो जाएगा। एक ये बैट्समैन की पिछली 5 इनिंग्स का स्कोर है और एक बैट्समैन है जिसकी 70, 72, 73, 68, 71 ज़्यादा स्टेबल बैटिंग किसकी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मीन से बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं कर रही। इसका अगर मीन लेट से 70 है, 71 है चलें, तो सारी परफॉर्मेंस 70 के आसपास ही है, तो इसकी वेरिएशन कम है। इसका मीन अगर 70 हो तो उसकी डिविएशन 70 से बहुत ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं क्योंकि एक दूसरे का स्केयर होता है। ये बता रहे होते हैं कि किसी भी वेरिएबल के डेटा में जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं उनकी मीन से कितनी वेरिएशन है। फार्मूला क्या है, बुजुर्गों ने बनाया हुआ फार्मूला, इसका इसका फार्मूला है पता नहीं, देखें पेज बताएं जरा देख के, स्टैंडर्ड डिविएशन का समेशन पी इनटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, और अगर ये तो मैंने x का निकाला है, अगर y का निकालना हुआ तो इन दोनों का निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करेंगे। p है और क्या चाहिए, x माइनस x बार का स्केयर चाहिए, तो x माइनस x बार का स्केयर, x अगर ये हो तो माइनस x बार, x बार कितना वो 25 माइनस 59.5 का स्केयर, 70 माइनस 59.5 का स्केयर, 100 माइनस 59.5 का स्केयर। अच्छा ये क्या चीज बन गई, x माइनस x बार का स्केयर, p इंटू x माइनस x बार का स्केयर मल्टीप्लाई और सम सम स्केयर रूट निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, x की भी निकालें और y की भी निकालें। हाँ जी, x का आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है x का 24.23, नहीं ये नहीं है, है? इतना नहीं है? है? इनको सॉल्व करें, हर एक को उनकी पी से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका सम करें, फिर स्केयर रूट लेना। Thank you.
वाई का कितना आया यार, ये कैलकुलेट करें ना सारे, सबसे होना चाहिए सॉल्व, क्योंकि इस चैप्टर के सवालों में मेनली हमें यही काम करना है। 25 पॉइंट चलो खैर है, राउंड ऑफ किया होगा। अच्छा वैसे तो आईकैप से इस चीज़ को क्लियर करना है कि जिन लोगों के अटैम्प्ट दिसंबर 23 है, तो उसमें एक वो लिस्ट बताएं कि वो जो एक एक्सेल की फाइल होगी वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर में, उसमें कौन कौन से फंक्शंस लगने अलाउड होंगे। तो अगर तो उसमें सारे फंक्शंस लगने अलाउड हुए तो फिर तो स्टूडेंट की वर्किंग बहुत कम हो जाएगी, फिर तो उसने एक्सेल नहीं कर देना है। लेकिन अगर नहीं अलाउड हुए तो आपको तब भी करना पड़ेगा, और जो लोग अभी मैनुअल पेपर देने वाले हैं उन्होंने तो करना ही करना है काम, तो इसलिए करें इसको कैलकुलेट। सॉल्वड। अच्छा वेरियंस एक्स का और वाई का, वेरियंस निकालना हो तो जस्ट इससे अगला फार्मूला देखें, या इससे पिछला फार्मूला, इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर लेना तो वो वेरियंस होता है। पेज 145 पे हूं मैं, सेंटर में तकरीबन स्टैट्स के कुछ फार्मूले लिखे हैं, ये चैप्टर में काम आने हैं। मीन है, वेरियंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोवेरियंस है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो वेरियंस निकालने के लिए यही जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है इसका स्केयर रूट उड़ा दें तो वो वेरियंस है। तो इसका वेरियंस आ गया 587.25 और इसका वेरियंस आ गया 654.96। यानी अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके तो उसका स्केयर कर लें, नहीं अगर वेरियंस निकालना है तो ये स्केयर रूट उड़ा दें तो वेरियंस है। तो वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों तकरीबन एक मीनिंग दे रहे हैं कि ये कितना वॉलेटाइल डेटा है, ये मीन से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। और दो फार्मूले हैं, एक है कोवेरियंस और एक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरियंस है कि मीन से कितना ज्यादा डेविएट कर रहे हैं, और वेरियंस किसी एक वेरिएबल का निकल रहा होगा। प्रोडक्ट एक्स की सेल्स का वेरियंस निकला है, प्रोडक्ट वाई की सेल्स का वेरियंस निकला है। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन देखना हो कि ये दोनों आपस में कितना मिलके वेरी कर रहे हैं, क्या आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस आपस के कनेक्शन को, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एक में दोनों का साथ चलना होता है और एक में जो है वो एक का दूसरे पे डिपेंडेंस मैयर हो रहा होता है। बहरहाल ये दोनों ही चीजें, कौन सी दोनों चीजें, कोवेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दोनों फार्मूले दो वेरिएबल्स का आपस का ताल्लुक जानने के लिए होता है। कोवेरियंस भी कि दोनों आपस में एक दूसरे पे कितने इंडिपेंडेंट है या आपस में कितना साथ मिलके चलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी यही होता है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। बाकी इसकी एग्जैक्ट डिटेल तो वो तो किसी स्टैट्स वाले को पता होगी, रफ रफ आइडिया ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोवेरियंस दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक स्टडी कर रहा होता है। फार्मूला क्या है कोवेरियंस का, फार्मूला देखें, यानी अगर x और y का हमने कोवेरियंस निकालना है तो फार्मूला क्या है, अगला देखें, ये फार्मूला है। अच्छा अगर आप गौर करें तो ये जो वेरियंस का फार्मूला था, इधर वेरियंस का ये वेरियंस का है,
तो इसमें x माइनस एक्स बार दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तभी स्केयर हो गया, तो एक दफा x एक दफा y, ये वेरियंस है ये कोवेरियंस है। देखिए समेशन p, समेशन p x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार तभी स्केयर हो गया, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का वेरियंस निकाल रहे थे, अब ये दो प्रोडक्ट्स का कोवेरियंस है, तो एक ब्रैकेट x का एक ब्रैकेट y का, ये कोवेरियंस है। और कोवेरियंस के लिए आपको दोनों कॉलम यूज करने पड़ेंगे। अब देखें क्या है, ये कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इनको मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और फिर उसका सम। और ये कर लिया, अगला फार्मूला भी देखें, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, इसका फार्मूला देखें क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एक्स और वाई का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दो वेरिएबल जिनका कोवेरियंस निकाल रहे हैं वो डिवाइडेड बाय एक की स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सारे फार्मूलों की मजीद प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन वन कर दें जल्दी से, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का है, इलस्ट्रेशन वन भी सॉल्व कर दें ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर ना ये चीजें आपके लिए बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होनी चाहिए ताकि फिर अगली मुश्किलों के लिए तैयार हो। इलस्ट्रेशन वन जल्दी से सॉल्व कर दें फिर बताता हूं पोर्टफोलियो क्या होता है। Thank you.
जल्दी जल्दी करना यार, मैंने फिर वो पोर्टफोलियो थ्योरी बतानी है। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं, लेकिन एंड आंसर जो है ना वो आप करके मैच करना चाहें तो पेज 153 पे लिखे हुए मैंने एंड आंसर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है कि बात है। हाँ जी, कोई एक दो भी हुए हैं कि एक दो भी हुए हैं? सारे बस ठीक है, रहने दे, छोड़े कर लेंगे आप।
छोड़े 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 इस चैप्टर हो गया ना, हो गया, छोड़े कर लेंगे। इस चैप्टर में ना काफी कुछ है। एक तो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है। क्या आगे जो हमने सवाल, ये तो मैंने अगले सवालों के लिए तैयारी के लिए बस ये कहा था है? नहीं वो कर ली ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली कोई एक, क्या किया फिर तो भी क्या किया इतनी देर में, अभी मीन ही निकला है। तो कौन सा हाथ से करना है यार, कंप्यूटर भी होना है ना, कितने टाइम लगेगा इसमें? वैसे भी सोना ही होता आपने। कोई एक आधा पार्ट भी कर लिया बस ठीक है, बहुत है। अच्छा इस चैप्टर में बहुत कुछ है। इस चैप्टर में हम लोग दोबारा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे भी वापस जाएंगे। दोबारा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे भी वापस जाएंगे, लेकिन शुरू शुरू में ना ये टॉपिक है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम लोगों ने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा। अब इस चैप्टर में शुरू शुरू में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। वो इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिस्टर एबीसी भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स का सवाल हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरू में, एटलीस्ट जब तक मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में वापस नहीं जाता, तब तक इस चैप्टर में हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिसीजंस लेने होंगे, कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। वो इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स का इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो सकता है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स का इन्वेस्टर भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हम इन्वेस्टर का लेने लगे। इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो इसके लिए एक है पोर्टफोलियो थ्योरी। अगर किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो सारे पैसे एक ही कंपनी के शेयर्स में लगा दे? नहीं, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में लगाएगा। तो उसका ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल कहां कहां कितने कितने पैसे लगे हुए, ये उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। फिर इसी तरह से कुछ पैसे शेयर्स में लगे हुए, कुछ डिबेंचर्स में लगे हुए, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए, कुछ बैंक में रखे हुए, ये उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब है ग्रुप। पोर्टफोलियो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? पोर्टफोलियो थ्योरी का कॉन्सेप्ट यह है कि इन्वेस्टर ने अगर ये डिसीजन करना हो कि पोर्टफोलियो ए बेहतर है कि पोर्टफोलियो बी बेहतर है कि पोर्टफोलियो सी बेहतर है, इसमें इस थ्योरी से उसको हेल्प मिलेगी। ये सारी थ्योरी जो बेस है ना, उसका कॉमन प्रिंसिपल ये है कि रिस्क और रिटर्न, यानी इन्वेस्टर के डिसीजंस रिस्क और रिटर्न की बेस पे होंगे। रिस्क और रिटर्न, अकलमंदी की बात यह है कि रिस्क ज्यादा हो तो रिटर्न भी ज्यादा ही होना चाहिए, रिस्क कम हो तो रिटर्न थोड़ा भी चल जाएगा। ये नहीं कि नहीं, कम ही होना चाहिए, रिस्क कम है इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा रिटर्न भी चलेगा, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। अब इस थ्योरी में जो भी इस वक्त डिस्कशन होनी है, जो थ्योरी के डिसीजन मेकिंग के तरीके हैं, इस थ्योरी ने इन्वेस्टर को हेल्प करनी है डिसाइड करने में कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो की क्या शक्ल रखे। मिसाल के तौर पे एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, कंपनी ए के शेयर्स में पैसा लगा देता हूं और कंपनी बी के शेयर्स में पैसा लगा देता हूं। एक ये ऑप्शन है उसके पास, और उसको किसी ने कहा नहीं ऐसा करो तुम कंपनी सी और कंपनी डी में पैसा लगा दो, एक ये ऑप्शन है। फिर किसी सियाने ने कहा छोड़ यार कंपनी एक्स और कंपनी वाई में लगाओ पैसे। अब इस इन्वेस्टर ने ये डिसीजन करना है कि वो ये पोर्टफोलियो रखे, ये पोर्टफोलियो रखे या ये पोर्टफोलियो रखे। ये थ्योरी एप्लीकेबल ही तब है जब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की शक्ल में होनी, यानी इस थ्योरी से ये डिसीजन नहीं हो सकता कि कंपनी एक्स में पैसे लगाना बेहतर है कि कंपनी बी में पैसे लगाना बेहतर है। कम अज कम दो हो
तो ये पोर्टफोलियोज के कंपैरिजन में हेल्प करेगी थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी ने हेल्प करनी है उस इन्वेस्टर को, वो चाहे स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो, चाहे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना हो, ये थ्योरी हेल्प करेगी कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। लेकिन वो भी जो डिसीजन मेकिंग या हेल्प होगी वो पोर्टफोलियोज की शक्ल में होगी। ये बात समझा सका कि नहीं? इस थ्योरी की हेल्प से ये नहीं डिसाइड हो पाएगा कि कंपनी एक्स या कंपनी वाई, पोर्टफोलियो वन, पोर्टफोलियो टू या पोर्टफोलियो थ्री, इनके कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी पोर्टफोलियो थ्योरी। अच्छा, पोर्टफोलियो थ्योरी का कहना क्या है? कहना यह है कि आपको जिन ऑप्शन, जिन पोर्टफोलियोज में से चूज करना है, पहले डिसीजन रूल बताता हूं फिर बताता हूं सवाल में करना क्या है। पहले डिसीजन रूल बताता हूं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियो की ऑप्शन है और पोर्टफोलियो से मुराद है दो या दो से ज्यादा तरह की इन्वेस्टमेंट्स। अगर जिन पोर्टफोलियोज को कंपेयर किया जा रहा है उन सब से रिटर्न एक जैसा आना है तो कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर होगा? जिसमें रिस्क कम है, या फिर अगर सब पोर्टफोलियोज का रिस्क बराबर है तो कौन सा बेहतर है? जिसमें रिटर्न। और अगर सबके रिटर्न और रिस्क डिफरेंट है तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। दोबारा सुने, पोर्टफोलियो थ्योरी का कंक्लूजन ये है, ये इन्वेस्टर को हेल्प करेगी कि तुम सारे पोर्टफोलियोज के रिटर्न कैलकुलेट करो, रिस्क कैलकुलेट करो। अगर सबका रिस्क एक जैसा है तो हायर रिटर्न वाला चूज कर लो, अगर सबका रिटर्न एक जैसा है तो फिर हायर रिटर्न चूज कर लो, और अगर रिटर्न रिस्क सब डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें उसका फार्मूला बना के देते हैं। तो पोर्टफोलियो थ्योरी ने उसका भी फार्मूला बना दिया। तो इसमें पोर्टफोलियोज के कंपैरिजन में हेल्प मिलेगी, और वो डिसीजन किस बेस पे हो रहा होगा? पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क पे। तो इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मसला कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा। पोर्टफोलियो का रिटर्न ऐसे निकलेगा कि इस पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स हैं, जितने डिबेंचर्स हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा उन सब के रिटर्न्स का एवरेज, उन सब के रिटर्न्स का एवरेज। और एवरेज भी कौन सा? वेटेड एवरेज। जैसे अगर कंपनी एक्स में पैसा लगाया तो एक साल में हमें इस पे 15% रिटर्न मिलेगा, और कंपनी वन में पैसा लगाया तो एक साल में 18% रिटर्न मिलेगा। और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न से क्या मुराद है? शेयर के इन्वेस्टर के रिटर्न से क्या मुराद है? डिविडेंड भी और कैपिटल गेन भी, ये भी उसका रिटर्न ही होता है। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कि इतना रिटर्न मिलेगा, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उम्मीद है कि इतना रिटर्न मिलेगा, तो उस पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? 15 प्लस 18। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से मुराद ये है कि कंपनी एक्स और वाई में जो पैसा लगाना है वो ऐसे लगाना है कि इसमें लगाना है 30%, इसमें लगाना है 70%। यानी अगर इस इन्वेस्टर के पास 10,000 रुपए तो उसने डिसाइड किया कि वो 3,000 इसमें लगाएगा, 7,000 इसमें लगाएगा, तो फिर इस पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न मिलेगा उसको? कैसे करें इसका वेटेड एवरेज? पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा 15% का वजन है इतना और 18% का वजन है इतना, 17.1। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकला? उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। और वेट किस बेस पे होगा? टोटल रुपए इन्वेस्टमेंट की बेस पे, कि इनमें जो पैसा लगना है कि इसमें कितना पैसा लगना है, इसमें कितना पैसा लगना है, उसकी रेशो इसका वेट है। तो इन सब से मिलने वाला रिटर्न और वेट्स, इनका वेटेड एवरेज करेंगे तो वो पोर्टफोलियो का रिटर्न बन जाएगा। इसी तरह से जाग रहे हैं, इसी तरह से इन दोनों का रिटर्न भी निकलेगा। ये निकल आया रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करें? रिस्क मैयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो ये इन्वेस्टमेंट की साइंस है ना, मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका होता है जो पोर्टफोलियो थ्योरी ने लिया हुआ है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो थ्योरी पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है इसको मैयर करती है स्टैंडर्ड डेविएशन से।
है, किस चीज की सैलरी डिवीजन, रिटर्न्स का, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट से वेरिएबल क्या है, रिटर्न्स, तो उन वेरिएबल उन रिटर्न्स की सैलरी डिवीजन। अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है, इस पे उलमा ने भी फार्मूले बनाए हुए हैं। एक टू एसेट पोर्टफोलियो कहलाता है, एक थ्री एसेट पोर्टफोलियो कहलाता है, और उसके अलावा भी एक तरीका है, वो अगली क्लास में बताऊंगा। मैं हूं इस वक्त पेज नंबर, बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, पेज नंबर 146 देखिए, पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 पे देखें पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो रहा है। उस पोर्टफोलियो में सैलरी डिवीजन नहीं, पोर्टफोलियो का रिटर्न, ये मैंने ए बी सी ये मुख्तलिफ उस पोर्टफोलियो के अंदर एसेट्स रखे हैं, सब के एक्सपेक्टेड रिटर्न का वेटेड एवरेज, और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट हो रहा है। टू एसेट पोर्टफोलियो, थ्री एसेट पोर्टफोलियो से क्या मुराद है, तीन तरह की इन्वेस्टमेंट है तो थ्री एसेट पोर्टफोलियो हो गया, दो तरह की हैं तो दो, और अगर से ज्यादा हुई तो बस फिर ये साइंसदान खामोश था, तो इसने इसी की दो की बातें की हैं। बाकी इसके अलावा अगर मल्टीपल हुए तो उसका क्या हल है, पोर्टफोलियो थ्योरी ना सही की और सही। तो पोर्टफोलियो थ्योरी में ये दो चीजें डिस्कस्ड हैं, टू एसेट पोर्टफोलियो, थ्री एसेट पोर्टफोलियो। इनका फार्मूला देखें जरा, और उसको देख के समझने की कोशिश करें कि क्या क्या चीजें हैं। डब्ल्यू से मुराद वेट है, और ये साथ स्टैंडर्ड डिवीजन का निशान था, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन स्केयर मतलब वेरियंस। तो अगर एक पोर्टफोलियो में दो शेयर्स हैं, दो कंपनीज के शेयर्स हैं, यानी तो कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट के वेट का स्केयर ये है डब्ल्यू ए का स्केयर इनटू कंपनी ए के रिटर्न्स की स्टैंडर्ड का वेरियंस प्लस कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट के वेट का स्केयर इनटू कंपनी बी के रिटर्न्स का वेरिएंस प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहा है आगे सब के साथ। अब वो आगे सब क्या है, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट का वेट, बी में इन्वेस्टमेंट का वेट, ए की स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू, ये पिछले पेज पे शक्ल देखें, ये कोरिलेशन की शक्ल है, हाँ ये उससे ही बना हुआ है, ये कोरिलेशन की शक्ल है। पोर्टफोलियो रिस्क के दो फार्मूले लिखे हुए और करके, तो और से ऊपर वाले में आखिर में क्या है, कोरिलेशन, और के बाद वाले में आखिर में क्या है, कोवेरियंस। तो डिपेंड करता है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर कोवेरियंस दिया हुआ है तो दूसरा वाला फार्मूला, कोरिलेशन दिया हुआ तो पहला वाला फार्मूला, और अगर कोरिलेशन भी नहीं दिया हुआ, कोवेरियंस भी नहीं दिया हुआ, खुद निकालना पड़ेगा, तो खुद आप कोवेरियंस ही पहले निकाल पाएंगे तो कोवेरियंस वाला फार्मूला, और अगर थ्री एसेट पोर्टफोलियो तो नीचे वाला फार्मूला देख लें। है? नहीं, इस टॉपिक के सवालों में मेहनत मजदूरी है, मुश्किलें कम है, मेहनत मजदूरी है, है? कभी कभार आ जाता होता नहीं, कभी कभार ही है ना, आप सारे जरूरी तो नहीं कि हर टॉपिक से लाजमी हर दफा सवाल आएगा, नहीं लेकिन इसमें कैपम भी है ना, फिर इसका मिक्सचर हो जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ, वो भी है, एपीवी भी है, अभी तो शुरू किया, देखते हैं ना यार, अभी से दिल ना छोड़ बैठे हैं क्या, चॉइस में छोड़ देना, मतलब आप चूज कर लेना कि ये अटेम्प्ट नहीं, अगली अटेम्प्ट। पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला आप और करें तो दिल का बुरा नहीं है फार्मूला, और इलस्ट्रेशन टू सॉल्व कर दें फिर छुट्टी। नहीं नहीं छोटा सा सवाल है यार, चलें फिर कर दें सॉल्व।
इलस्ट्रेशन टू कर दें सॉल्व, जिसे नहीं करना वो चला जाए, इलस्ट्रेशन टू कर दें सॉल्व। अरे सिंपल सा सवाल है यार, सारी फिगर दी है, बस फार्मूले में मैंने सवाल बनाया सिर्फ इसलिए है कि आपको फिगर पुट कर सके फार्मूले में, बस है? हाँ हाँ, मैंने सारी फिगर्स दी हुई है सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने की प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं सवाल बस। है जी, फॉर्मूले में क्या फॉर्मूले ये जो है सिंपल 40% का स्केयर है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये जो वेट्स है ना, ये तो आपने लाजमी 0.4 और 0.6 करना है, वेट तो लाजमी 0.4 और 0.6 है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं आप 22 को 22 भी ले सकते हैं, 0.22 भी ले सकते हैं, दोनों ठीक है। लेकिन फिर अगर 22 को 0.22 लेना है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को 0.15 लेना है, 22% रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन 15%। अगर आप इनको परसेंटेज लेना चाह रहे हैं यानी 0.22 और 0.15 ये भी ठीक है, अगर आप इनको 22 और 15 कहना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन वेट को 0.4 और 0.6 ही कहना, यानी वेट 40-60 नहीं है। ठीक हाँ जी छुट्टी
हाँ जी, नहीं हो रहा तो बोर्ड पे कर दूं। नहीं हुआ पोर्टफोलियो का रिटर्न 22% का वेट इतना और दूसरा कितना है 18% का वेट इतना 19.6% इस पे इतराज परेशानी तकलीफ रिस्क ए के वेट का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इनटू ए का वेरिएंस यानी ए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर प्लस बी के वेट का स्क्वायर इनटू बी का वेरिएंस यानी बी की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर पॉइंट प्लस 2 इनटू वेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वही जो पीछे लिखे हुए इनटू वेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू कोरिलेशन जो कि 1 दिया हुआ है क्या गलती नहीं तो 1 के आने से फर्क ही नहीं पड़ेगा मतलब तो आप किस तरह वन कहां से आया सिला रहमी होती है रिश्तेदारों से ऐसे जोड़ के रखना कि उनकी खुशी गमी में हम साथ हों और कोई मुश्किल परेशानी हो तो उसमें हम तसल्ली देने के लिए मौजूद हों किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो हौसला तसल्ली देने इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल हों और ये मैंने कल भी कहा था कि सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि अगर चचा के साथ बिजनेस करके फ्रॉड ही करते हैं वो हमेशा तो उनके साथ बार बार फ्रॉड ही करवाया जाए बिजनेस नहीं करना उनके साथ फिर लेकिन रिश्तेदारी मुश्किल में काम आना मदद करना ये सब सिला रहमी है। अच्छा सिला रहमी का एक फ़ायदा बुखारी 5985 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे पसंद है कि उसकी रोज़ी में फराखी हो तब रोज़ी जो है वो बढ़े फैले अब उसमें बरकत भी शामिल हो सकती है मल्टीपल सोर्सेज से इनफ्लो होना भी शामिल हो सकता है और उसकी उम्र दराज की जाए अच्छा उम्र बढ़ना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि 25 साल में मर जाना तो चलो 75 में मरेगा जाके या 150 में मरेगा जाके उम्र लंबी होने का मतलब सिर्फ नंबर ज़्यादा होना नहीं है उम्र लंबी होने का ये मतलब भी हो सकता है कि 40 साल की उम्र में वो अचीव कर ले वो खुशियाँ देखने को मिल जाए जो 150-150 साल की उम्र में भी नहीं मिल रहे होते तो ये भी उम्र की लंबी उम्र होना ही है तो जो जिसे पसंद है कि उसकी रोज़ी में फराखी हो और उसकी उम्र दराज की जाए तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी किया करे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।